हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश सारण और आज डिस्कस करेंगे अपन केमिस्ट्री पंच नंबर 11। टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और इससे नीट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले अपन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी प्रोसेस की अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए तो उसे आप क्या कहोगे? साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में ऑल स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन में क्या होगा? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में सभी के सभी स्टेट फंक्शन क्या होंगे? जीरो। तो देखो वर्कडन क्या है? पाथ फंक्शन है, तो ये जीरो नहीं होगा। सेकेंड, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? यहाँ पे स्टेट फंक्शन है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो क्या है? वैसे भी गलत है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो देखो एडियाबेटिक कंडीशन क्या होती है? एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होगा? क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। कोई भी सिस्टम ना तो हीट अब्जॉर्ब करेगा ना हीट रिलीज करेगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। यानी हीट क्या हो जाएगी इसमें? जीरो हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो इसमें एक चीज और दे रखी है, फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन में क्या होता है? वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि इस केस में क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो डब्ल्यू वर्क डन क्या होता है? माइनस का पी एक्सटर्नल डीवी। तो इस केस में पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जीरो। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, क्यू भी जीरो है, तो डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा ई बराबर हीट क्यू बराबर जीरो, वर्क डन जीरो, तो डेल्टा ई जीरो। और डेल्टा ई जीरो तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? Q इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क डन W बराबर जीरो। सेकेंड ऑप्शन Q इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा T नॉट इक्वल टू जीरो, W नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि तीनों चीज अपने तो क्या आ रही है? जीरो आ रही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर। इसका मतलब क्या है? हीट का ट्रांसफर नहीं है, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में? जीरो। ए लिक्विड इज स्टर्ड विथ ए पैडल टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। इन दिस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक बंद उष्मावधि पात्र में एक द्रव का ताप बढ़ाने के लिए इसे एक ठंडे एक डंडे से लाया जाता है, तो इस प्रक्रम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखो उष्मावधि पात्र, इट मीन्स क्या हो गया? Q इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हीट क्यू तो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो रहा है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है? वर्क डन के इक्वल है। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो नहीं हो सकती। डेल्टा ई नॉट इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? पहला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या है? हीट जीरो है। सेकंड वाले में क्या है? वर्क डन और हीट, वर्क डन कभी जीरो नहीं हो सकता इस केस के अंदर। थर्ड में देखो इंटरनल एनर्जी में चेंज और वर्क डन दोनों इक्वल है, तो बिल्कुल दोनों इक्वल है। और क्यों किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो क्यों जीरो के इक्वल होगा? क्योंकि क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर है, लेकिन दोनों जीरो के बराबर नहीं होंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दे रखी है जो कंबसन रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का कंबसन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू आपको निकालनी है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो देखो वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन आर
टी, डेल्टा एन यहाँ पे क्या है, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, अब देखो इस रिएक्शन के अंदर मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 3, माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, 5 और 1, 6। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं, 3, और रिएक्टेंट के गैसियस मोल कितने हैं, 6। तो 3 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 आर टी। डेल्टा ई को उधर लेके जाओ क्योंकि आपको क्या पूछ रखा है, डेल्टा एच माइनस का डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आर टी। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/2 ए से बी ये कोई प्रोसेस दे रखा है, इससे आपको ये फाइनल रिएक्शन ऑब्टेन करनी है। तो देखो इस रिएक्शन में आपको पता लग रहा है कि बी की साइड लाना है, आपको बी रिएक्टेंट की साइड लाना है, ठीक है। डी भी आपको किस साइड लाना है, रिएक्टेंट की साइड। ई प्लस 2 सी आपको प्रोडक्ट की साइड लाना है। तो तीनों इक्वेशन से आपको ये फाइनल इक्वेशन क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है। तो देखो पहली इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन सेकंड को आप एज इट इज रखना पड़ेगा क्योंकि बी आपको क्या साइड चाहिए, रिएक्टेंट के साइड चाहिए। फिर आप क्या कर दो, इन सबको ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसमें इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दो, प्लस उसमें इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दो। इन सबको ऐड करो आप, इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस 2b। तो इसके डेल्टा एच का साइन भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा, 150 × 2, तो कितना आएगा, 300। इक्वेशन सेकंड को एज इट इज पुट कर दो तो ये क्या होगा, 3b से क्या हो जाएगा, 2c प्लस डी। तो ये डेल्टा एच कितना आ जाएगा, माइनस का 125। थर्ड इक्वेशन को आप क्या करोगे, एज इट इज कर दोगे। देखो थर्ड इक्वेशन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस इक्वेशन थर्ड। तो इसको आप रिवर्स कर दो थर्ड इक्वेशन को, तो यहां पे आ जाएगा 2d e प्लस ए। तो देखो रिवर्स रिएक्शन को जैसे ही रिवर्स करोगे तो उसका डेल्टा एच का साइन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो माइनस का ये कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। अब इन दोनों को, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करो, तो देखो d से इधर 2d, तो यहाँ सिर्फ d बच गया, 2b इधर 3b, तो b बच गया। a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो रिएक्शन क्या आ जाएगी, b प्लस डी और इधर e प्लस 2c। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो आपने क्या किया, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वेशन सेकंड में ऐड कर दिया, फिर तीसरी इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो डेल्टा एच का साइन भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इन सबको आप ऐड कर दो तो फाइनल रिएक्शन का डेल्टा एच आ जाएगा। तो फाइनल रिएक्शन का डेल्टा एच कितना आएगा, 300 माइनस का 125 माइनस का 300, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 425। तो 350, सॉरी यहाँ पे कितना है, 350 है, 300 माइनस का 475। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 175 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे आपको फाइनल रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है। तो उन रिएक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, रिवर्स करोगे या फिर एज इट इज रखोगे, तो आप फाइनल रिएक्शन को देख के डेल्टा एच का साइन कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक डस्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ए बम्प कैलोरीमीटर। तो देखो बम्प कैलोरीमीटर क्या होता है,
बम कैलोरीमीटर में क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ कंबसन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये बम कैलोरीमीटर का काम है। तो इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक प्लस H2SO4 से क्या हो रहा है, जिंक प्लस ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन की क्या होगी, रिलीज होगी, और ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, डेल्टा H नेगेटिव। तो सबसे पहली चीज क्या है, बम कैलोरीमीटर में क्या होता है कि फ्री एक्सपांशन नहीं होता है। फ्री एक्सपांशन नहीं होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा V क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि क्या होगा इसमें, फ्री एक्सपांशन होगा। तो व्रग्डन भी क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो हो जाएगा, व्रग्डन भी जीरो। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो डेल्टा यू लेस देन जीरो, व्रग्डन भी जीरो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। N2H4 से 2N+4H, ये कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसका डेल्टा एच आपको ये दे रखा है 1724 किलो जूल पर मोल। इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, तो पहले आप N2H4 की स्ट्रक्चर देखो, NN के बीच में नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, तो NN हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये इसकी स्ट्रक्चर है किसकी, N2H4 की। अब इसमें देखो, एक तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है और चार के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो इसका डेल्टा एच इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी किसकी, NN प्लस डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी किसकी, NH की, और NH बॉन्ड कितने हैं, चार है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है, 1724, तो यहां पे आप पुट करोगे 1724 डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी किसकी, NN प्लस 4 इंटू NH की बॉन्ड एनर्जी आपको कितनी दे रखी है, 391, तो ये बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, 391, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 4615, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको आप इधर माइनस करो तो NN बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा एच NN बॉन्ड इज इक्वल टू 1724 माइनस का 1564, तो ये कितना आ जाएगा, 6 36 24, यानी कि 160 के लमसम आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 160 किलो जूल पर मोल, ये NN बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आ गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस एट टी केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, एडियाबेटिक चेंज अंडर ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm चेंज वॉल्यूम फ्रॉम 1 liter टू 2 liter, द फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन वुड बी, यानी एक मोनो एटॉमिक गैस है और एडियाबेटिक चेंज दे रखा है, तो टेम्परेचर दे रखा है T1 आपको टी केल्विन, और वॉल्यूम V1 कितना दे रखा है, V, और V2 कितना दे रखा है, 2V, और आपसे फाइनल टेम्परेचर T2 पूछ रखा है। आपको पता है प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये याद रखो आप। अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम में तो रिलेशन है नहीं, आपको किसमें निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT, N और R क्या है, कॉन्स्टेंट। आपको रिलेशन किस में चाहिए, टी और वी में, तो प्रेशर को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो पी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो टी अपॉन वी, तो प्रेशर की जगह मैं क्या लिखूंगा, टी अपॉन वी, वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू
कॉन्स्टेंट, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगी, तो टी वी की पावर गामा माइनस का वन, तो आप लिख सकते हो इसको टी वन वी वन गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस का वन। तो आप टी टू निकाल सकते हो, टी टू इज इक्वल टू टी वन वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस का वन। तो देखो टी वन कितना दे रखा है, टी केल्विन, और वी वन आपको कितना दे रखा है, वी, तो वी अपॉन टू वी की पावर गामा माइनस का वन। अब देखो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, फाइव बाई थ्री, तो गामा की जगह आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे फाइव बाई थ्री पुट करोगे, तो फाइव बाई थ्री माइनस का वन, वी से वी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो टी टू कितना हो जाएगा, टी टू हो जाएगा टी वन बाई टू, फाइव बाई थ्री माइनस का वन कितना हो जाएगा टू बाई थ्री। तो ये ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखे है। तो टी टू टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी इंटू वन बाई टू की पावर टू बाई थ्री। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वृद्धन बाय एन आइडियल गैसीय सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने बताया था आपको कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वृद्धन क्या होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे गैस एक्सपांड नहीं होगी, तो वृद्धन कहां से होगा, तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्वेश्चन में कहीं भी आपको नजर आ जाए तो उस केस में वृद्धन जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई एक्सपांशन नहीं होगा, क्योंकि वृद्धन क्या होता है, माइनस का पी एक्सटर्नल गैस के अगेंस्ट वृद्धन होता है वी टू माइनस का वी वन, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो वृद्धन क्या होगा जीरो होगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स व्हेन वन मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, यानी कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस है वो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ डेल्टा ऑफ आइस टू लिक्विड वाटर इज 6 किलो जूल पर मोल, यानी कि जो एंथैल्पी डेल्टा एच दे रखा है वो दे रखा है 6.0 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, तो 6×10³ जूल पर मोल। तो आपसे क्या पूछा है, एंट्रोपी में चेंज पूछा है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको डेल्टा एच अपॉन टी आप पुट कर सकते हो, और डेल्टा एच कितना है 6×10³ अपॉन टी, टी टेम्परेचर कितना है 0°C, 0°C को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 273। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, इसको आप पुट करते हो 6000 अपॉन 273, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, टू टाइम्स जाएगा, तो फिर एक बार और जाएगा, तो 21.98। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर एंट्रोपी एज ए थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स द क्राइटेरिया ऑफ फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस, उष्मा एंट्रोपी एस को उष्मागतिक पैरामीटर मान लिया जाए तो किस प्रक्रम के लिए, स्वतः प्रवर्तन के लिए मानदंड है। तो देखो क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, सबसे पहले एंट्रोपी सिस्टम की रेंडमनेस को एंट्रोपी बोलते हैं, तो सिस्टम में जितनी ज्यादा रेंडमनेस होगी उसके एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं सोलिड लिक्विड और गैस, तो गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स की रेंडमनेस सबसे ज्यादा होगी तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, देन आफ्टर किस में होगी, लिक्विड में, और सबसे कम क्या होगी, सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, गैस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, और देन क्या होगी, सॉलिड में। सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो उनका फ्री एक्सपांशन या फ्री रेंडमली मूवमेंट बहुत ही कम होता है, इसलिए इनकी एंट्रोपी क्या होगी, जो सॉलिड है उनकी सबसे कम होगी। अब क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो माना कि V1 से V2 वॉल्यूम पर क्या हो रहे, एक्सपांशन हो रहे,
एक्सपांसन होगा तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो डेल्टा एस जो टोटल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। डेल्टा एस टोटल किसके इक्वल होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रही आर 170 किलो जूल एंड 170 जूल केल्विन इनवर्स रेस्पेक्टिवली, दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जो प्रोसेस अपने आप होते हैं ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है तो ये प्रोसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। या किसी भी बॉडी से जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या होती है, अपने आप फ्लो होती है, तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहोगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा जी इज इक्वल टू अगर जीरो होता है तो ये होता है एट इक्विलिब्रियम पे, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको आप अच्छे से लैंड कर लें। ये कंडीशंस होते हैं स्पॉन्टेनियस, एट इक्विलिब्रियम और नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको क्वेश्चन में स्पॉन्टेनियस पूछा है कि किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर निकाल लो। तो देखो इक्विलिब्रियम पे जब आप टेम्परेचर निकालोगे तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ये अगर जीरो हो गया तो डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो T इज इक्वल टू डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, डेल्टा H की वैल्यू 170, ये 170 आपको किलो जूल में दे रखी है तो आप इसको जूल में कन्वर्ट करें। और डेल्टा S आपको कितना दे रखा है, डेल्टा S दे रखा है 170, तो ये क्या हो जाएगा 1000 केल्विन। 1000 केल्विन पे तो ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। 1000 केल्विन से आप ज्यादा पुट करोगे, अगर टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो ज्यादा पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। यानी टी डेल्टा एस है वो ग्रेटर देन होता जाएगा डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और किस में इंक्रीज होगी, ये नेगेटिव में इंक्रीज होगी। और नेगेटिव में अगर डेल्टा जी की वैल्यू आती है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो देखो 1000 केल्विन से जो अबाउट टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखो 71 केल्विन, 10 केल्विन दे रखा है, 910 केल्विन दे रखा है, 110, ये देखो 100 केल्विन से क्या दे रखा है, अबाउ दे रखा है। तो इस केस में क्या होगा, ये वैल्यू जैसे आप पुट करोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ में भी देखो, देखो 1000 से क्या दे रखा है, कम दे रखा है टेम्परेचर। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ X2, Y2 एंड XY3, ये दे रखी है तीन वैल्यू रिस्पेक्टिवली फॉर दिस रिएक्शन। डेल्टा एच आपको दे रखा है टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर। तो अभी मैंने बताया था आपको, सबसे पहले इसके अंदर एक स्टेप करनी पड़ेगी। इक्विलिब्रियम के लिए टेम्परेचर आप डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा जी है वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इसमें डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस एंट्रोपी में आपको चेंज निकालना है। तो एंट्रोपी में चेंज किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एस प्रोडक्ट की एंट्रोपी में से आप रिएक्टेंट की एंट्रोपी को क्या करोगे, माइनस करोगे। रिएक्टेंट की एंट्रोपी को माइनस करोगे तो आपके पास एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा एस निकालो। तो देखो प्रोडक्ट आपके पास क्या दे रखा है, एक्स वाई थ्री, तो जिसकी एंट्रोपी कितनी दे रखी है, 50 माइनस रिएक्टेंट क्या है, एक्स टू, तो 1/2 कोफिशिएंट को इंक्लूड करना है। एक्स टू की एंट्रोपी कितनी दे रखी है, 60 प्लस 3/2,
Y2 की एंट्रोपी कितनी देर की है, 40 इज इक्वल टू 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 20, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, ये हो गया 60 प्लस 30 90, तो माइनस का 40 आ जाएगी, ये आ जाएगी एंट्रोपी में चेंज। अब आपको इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर निकालना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टी कैसे निकालोगे, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी देर की, माइनस का 30, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो तो 10^3 से मल्टीप्लाई कर दो, एंट्रोपी में चेंज कितना है माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो इसमें इससे डिवाइड करोगे तो 3750 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर कितना आएगा 750 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 0.75 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एट 27 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 15 लीटर टू 25 लीटर द मैक्सिमम वर्कडन ऑब्टेन, तो वर्कडन आप कैसे निकालोगे, मैक्सिमम है तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे, डब्ल्यू रिवर्सिबल 2.303 NRT log 10 base V2 upon V1, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम वर्कडन है जिसके अंदर आप मैग्नीट्यूड लोगे, साइन का चेंज नहीं देखोगे। तो 2.303 नंबर ऑफ मोल कितने, 0.75 into R की वैल्यू आप क्या लोगे, तो R की वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको R की वैल्यू पुट करने की, तो R की वैल्यू जूल में दे रखी है तो आप क्या पुट करोगे 8.314, तो 8.314 टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में हमेशा केल्विन में पुट करना, तो 300 into 300 log 10 बेस V2 कितना देर का, देखो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक एक्सपांड हो रही है 15 लीटर से 25 लीटर, तो 25/15 तो 5 का इसमें कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, इसमें 5 का जाएगा 3 टाइम्स, तो वर्क डन क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 को आप मल्टीप्लाई करोगे 8.314 से, तो ये 19.14 आएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे इनटू 300 करोगे तो ये 1714 इनटू 0.75, देखो लॉग 10 बेस 5/3 है तो लॉग 10 बेस 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.70 माइनस लॉग 10 बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47, तो ये आ जाएगा 0.23, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 5714 इंटू 0.75 इंटू 0.23, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी लगभग 934 जूल के, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन एंट्रोपी फॉर फ्यूजन ऑफ वन मोल आइस इज, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा 273 केल्विन मोलर, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखे 60, तो एंट्रोपी में चेंज निकालना, तो ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, आइस और वाटर इसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा आपको 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, जो चेंज इन एंथैल्पी है वो कितना दे रखा आपको 60 किलो जूल पर मोल, इसको जूल में कन्वर्ट करना आपको, तो एंट्रोपी में चेंज निकल, तो एंट्रोपी में चेंज क्या होता है क्यू अपॉन टी, और क्यू क्या होगा डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 60 × 10^3, टेम्परेचर कितना देर का 273 केल्विन, तो ये 60 × 10^3 अपॉन 273 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 2 देन आफ्टर 1 इंटू समथिंग केल्विन, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फोर गिव डिफरेंट रिएक्शन आर गिवन। देखो डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू आप क्वेश्चन को देख रहे हो, दे रखी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यू प्रोडक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, यानी सभी टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। अब देखो हर एक टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है, जब डेल्टा एच क्या हो, डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव। ये जब नेगेटिव होगा माइनस टी, ये अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी डेल्टा एच से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए माइनस टी, डेल्टा एस ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये नेगेटिव आएगा प्लस माइनस, माइनस अगेन माइनस है, तो डेल्टा जी की वैल्यू हर एक टेम्परेचर, आप टेम्परेचर कुछ भी रख दो, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले ऑप्शन में देखो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, अपने कुछ ये नेगेटिव, पहला गलत हो गया। सेकेंड में डेल्टा एच की नेगेटिव है, डेल्टा एस की भी नेगेटिव है, तो ये इस वजह से गलत हो गया। थर्ड देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस क्या, नेगेटिव, ये भी गलत हो गया। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ऐसा कौन से में दे रखा है, ऐसा फोर्थ प्रोसेस के अंदर दे रखा है। तो रिएक्शन फोर्थ में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिक डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और ऐसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो रिएक्शन फोर्थ में दे रखे है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रिएक्शन विथ नेगेटिव डेल्टा एस वैल्यू। देखो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव, एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज होनी चाहिए जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो पहली रिएक्शन के अंदर जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लिक्विड से गैस में जाते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है, गैस से लिक्विड में जाते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। तो देखो ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसको डीकम्पोज करोगे तो देखो ये गैस के अंदर जा रहे हैं, सभी गैसेस प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी में चेंज है, इंक्रीज होगा। आपको पूछ रखा है किसमें डेल्टा एस का मान नेगेटिव होगा, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड में देखो नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, इधर वन मोल है और इधर कितने, टू मोल है, तो इसमें भी एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। थर्ड में देखो टू एसओ टू प्लस ओ टू से इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कितने, थ्री, थ्री से क्या है, टू, नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, तो इसमें एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फोर्थ टू के सी एल ओ थ्री से टू के सी एल प्लस थ्री ओ टू, इसमें भी देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इधर गैसेस मोल दो है और इधर गैसेस मोल कितने हैं, तीन है, नंबर ऑफ गैसेस मोल इंक्रीज हो रहे हैं, तो एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन भी गलत, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें देखो नंबर ऑफ गैसेस मोल डिक्रीज हो रहे हैं तो एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड चेंज ऑफ एंट्रोपी विद द चेंज ऑफ प्रेशर फॉर आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन द फॉलोइंग, यानी आपको एंट्रोपी में चेंज पूछ रखा है एक आदर्श गैस के अंदर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। तो देखो एंट्रोपी में चेंज क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, अब देखो क्यू आपको निकालना, हीट निकालनी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, और देखो वर्कडन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 2.303 एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो पी वी भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो आप लिख सकते हो पी बराबर कॉन्स्टेंट को मैं के ले लेता हूँ, के अपॉन वी, तो पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 अपॉन V1। इसकी जगह आप प्रेशर की फॉर्म में क्या लिखोगे, P1 अपॉन P2। यहाँ लॉग बेस 10 है, यहाँ क्या है, लॉग बेस 10 है, लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1।
अब देखो वर्क डन, हीट निकालने कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू जीरो होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये क्या हो गया जीरो, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डब्ल्यू, तो क्यू इक्वल टू आप क्या पुट करोगे माइनस का डब्ल्यू, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 2.303 एन आर टी लॉग 10 बेस वी टू अपॉन वी वन, ठीक है। साइन क्या आएगा प्लस का, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव ऑलरेडी है, फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसमें टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू कितना है 2.303 एन आर टी लॉग 10 बेस वी टू अपॉन वी वन अपॉन क्या दे रखा है टी, टी से टी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब देखो लॉग बेस 10 दे रखा है आपको, लॉग बेस ई में कन्वर्ट करना है तो वी नो दैट लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 2.303 लॉग 10 बेस एक्स, तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो 2.303 को आप नेगलीफाई करके इसको लिख सकते हो एन आर टी से टी कैंसिल आउट हो गया, इसको लिख सकते हो एल एन। अब वी टू अपॉन वी वन की जगह क्या पुट कर सकते हो आप पी वन अपॉन पी टू, क्योंकि ऑप्शन में आपको पी वन प्रेशर की फॉर्म में दे रखा है तो पी वन अपॉन पी टू, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट में पी टू अपॉन पी वन है, सेकेंड तो सही हो ही नहीं सकता, थर्ड है डेल्टा एस एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू, तो देखिए एल एन का मतलब लॉग बेस ई है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन नंबर बेस्ट ऑन द 19 क्वेश्चन नंबर बेस्ट ऑन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आपको दे रखी हैं 1, 2, 3 सबके डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यानी एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। तो देखो तीनों रिएक्शंस में आप क्या करोगे कि ये आपको फाइनल रिएक्शन ऑप्टेन हो जाए, तो थोड़ा सा आप तीनों रिएक्शन को देख लो कि इस साइड अपने को कार्बन सॉलिड चाहिए तो पहले रिएक्शन को एज इट इज पुट करना पड़ेगा, फिर आपको इस साइड O2 चाहिए तो इन दोनों इक्वेशन को भी आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो तीनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करो आप, तो तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो CO से CO कैंसिल आउट, H2 से H2 कैंसिल आउट हो गया, और H2 से H2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास इस साइड क्या बचा, इस साइड आपके पास बचा कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 कितना हो जाएगा O2, और इस साइड क्या आ गया CO2, ये आपको फाइनल रिएक्शन ऑब्टेन हो जब तीनों रिएक्शन को ऐड किया, तो उनके डेल्टा एच को भी आप क्या कर लो ऐड कर लो, तो कितना है 131 माइनस 282 माइनस 242, तो 131 माइनस इन दोनों को ऐड करो आप कितना आएगा 4, 12 है 5, तो ये आएगा 5, 2, 4, इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये माइनस में आएगा वैल्यू, और माइनस में कितनी आएगी देखो ये तो आ नहीं सकती, तो आप स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने से मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लेगा, प्लस में आ नहीं सकती तो थर्ड और फोर्थ गलत है, माइनस में 655 तो कभी नहीं आ सकती, तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखो नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी हाईएस्ट, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हाईएस्ट किस में होगा, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है थोड़ा सा इसको अपन क्लैरिफाई कर लेते हैं, हीट ऑफ डेल्टा एच हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को आप रिएक्ट करते हो तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करेंगे तो उस हीट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलोगे आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा माइनस का 13.1 किलो कैलोरी पर मोल, ये तो कैलोरी में आ गया, या फिर ये माइनस का 57.1 किलो जूल पर मोल, जूल और कैलोरी में आप क्या कर सकते हो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका लोगे आप स्ट्रॉन्ग एसिड का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड
और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के स्ट्रॉन्ग बेस आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट का। तो इतनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी, इसको बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बाकी देखो 3 टाइप के सॉल्ट और है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, थर्ड वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, फोर्थ है वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, 100% होता है, कंप्लीटली वो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट। लेकिन जो वीक बेस है, वीक एसिड है, ये क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होता है वो लेस देन क्या होता है, 100% होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, ओल्ड टाइप ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से है, ओल्ड टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सोल्ट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और इनके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। तो देखो कुछ अमाउंट क्या होती है, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को आयनाइज होने में क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। तो इसके लिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या होगा, डेल्टा एस न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन माइनस का 13.7 किलो कैलोरी, यानी इसका जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है माइनस का 13.7 किलो कैलोरी से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट क्या है, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज होने में कंज्यूम हो जाएगी। अब देखो आप क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसमें होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, माइनस का 57.7 है, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये तो कैलोरी के अंदर है और ये क्या होगा, जूल में। तो सबसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन है। बाकी तीन में क्या होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या होगा, लेस देन माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन है, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली इज 57.0 किलो जूल पर मोल इनवर्स, द हीट रिलीज व्हेन 0.5 मोल ऑफ HNO3 सॉल्यूशन इज मिक्स विद 0.2 मोल ऑफ KOH। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, HNO3 प्लस KOH, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2। तो इसमें देखो जब दोनों के 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब इन दोनों का n फैक्टर 1 है, तो आप बोल सकते हो 1 मोल इसका लेते हैं और 1 मोल इसका लेते हैं, तो 1 मोल एसिड 1 मोल बेस को कंप्लीटली क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और उस केस में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 57.0 किलो जूल पर मोल। ये तो जब केस क्या है, दोनों का 1 मोल दे रखा है, तब इतनी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जब एक का 0.5 लें, यानी इसकी कितने मोल लो आप, 0.5, और KOH के कितने लो, 0.2, तो बताओ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें सबसे कम क्या है, 0.2 है, तो 0.2 मोल बेस है, वो 0.2 मोल एसिड को क्या करेगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा। तो डेल्टा एस न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू आप जो सबसे कम वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग निकालोगे आप, ठीक है। तो सबसे कम वैल्यू क्या है, 0.2 है, तो आप 57 × 0.2, तो 57 × 1/5, तो कितनी बार जाएगा, 11, यानी कि 11.4 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, ये आएगी इसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड बाय NaOH, यानी एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, इसकी NaOH के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो जो सोल्ट बनेगा CH3CON, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। तो इसका डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, माइनस का 50.6 ये दे रखा है। एंड द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है माइनस का 55.9। वॉट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर आयोनाइजेशन ऑफ
एसिडिक एसिड, यानी इसको आयनाइज होने में कितनी हीट कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इस हीट से ये हीट कम आ रही है क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगा इस केस के अंदर, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगा क्योंकि ये वीक कंपोनेंट है। अल्फा इसके लिए क्या होगा 100% से कम होगा, इसको आयनाइज होने में कुछ अमाउंट क्या हो जाएगी कंज्यूम हो जाएगी। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग और एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में दे रखा है माइनस का 55.9 प्लस। अब देखो इस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, इससे कम आएगा क्योंकि कुछ हीट क्या होगी इसको आयनाइज होने में कंज्यूम होगी, तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन। और आपसे पूछा है कि डेल्टा एच आयोनाइजेशन क्या होगा, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कितना दे रखा है आपको माइनस का 50.6, तो माइनस का 50.6 इज इक्वल टू माइनस का 55.9 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन। तो इसको इधर ले क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा लगभग 5.3, तो प्लस 5.3 इस वीक एसिड को आयनाइज होने में कंज्यूम हो जाएगी, तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन क्या आ जाएगा प्लस का 5.3 किलो जूल पर मोल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथेन, यानी कि मैथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन इफ द हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन इज माइनस एक्स किलो जूल, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज माइनस वाई किलो जूल एंड हीट ऑफ कंबसन ऑफ मैथेन इज माइनस जेड किलो जूल। पूछा क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथेन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथेन की रिएक्शन आपको लिखनी है, तो लिख लेते हैं मैथेन का फॉर्मेशन कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 से CH4 केस, इन एक मोल का फॉर्मेशन करना है और किससे करोगे उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन किस में होना चाहिए ग्रेफाइट में और हाइड्रोजन किस में होनी चाहिए गैस में, इसका डेल्टा एच आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है जिसको आप क्या बोलोगे हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ, ये CH4 के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया। और क्या गिवन देखो आपको, इफ द हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन इज माइनस एक्स किलो जूल, हीट ऑफ कंबसन कंबसन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और कंप्लीटली ऑक्सीजन पास करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा CO2 गैस के अंदर, अगर पार्शली पास करोगे तो ये CO में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको आप हीट ऑफ कंबसन नहीं बोल सकते। ये डेल्टा एच कंबसन आपको कितना देर का है माइनस का एक्स। आगे देर का हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो H2 प्लस हाफ O2 से क्या है H2, ये कितना देर का आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन है माइनस का वाई। मीथेन की कंबसन देर का मीथेन यानी CH4 का कंबसन देर का है, CH4 का कंबसन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और क्या बनता है CO2 प्लस H2 2H2, बैलेंस कर लो इक्वेशन को, कितने ऑक्सीजन है 2 और 2 4, तो 2O2 हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई और डेल्टा एच कंबसन दे रखा है आपको माइनस का जेड। अब देखो इन तीनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकेंड है और इक्वेशन थर्ड है, तीन इक्वेशन से आपको फाइनल रिएक्शन ये ऑप्टेन करनी है और ये जैसे आपको मिलेगा तो इसका डेल्टा एच आपको ऑप्टेन हो जाएगा। तो इन रिएक्शन को आप क्या करोगे ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखो आपको इस साइड आपको CH4 चाहिए फाइनल इक्वेशन, तो रिएक्शन थर्ड को क्या करना पड़ेगा आपको रिवर्स करना पड़ेगा, बाकी सबको आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो ठीक है। और इक्वेशन सेकंड को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या 2H2 है, कार्बन ग्रेफाइट कार्बन सॉलिड एक ही बात है, ये सॉलिड स्टेट में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वेशन फर्स्ट को आप एज इट इज लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 into इक्वेशन सेकंड, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन सेकंड को माइनस इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा, तो 2 को मैं देखो क्या करूंगा सेकंड रिएक्शन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, इधर 2H2
और इसको अभी आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2y, इसको आप क्या कर लो, रिवर्स कर लो। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसको रिवर्स करोगे आप तो क्या आ जाएगा, CO2 प्लस 2H2O से CH4 प्लस 2O2, इसको रिवर्स करोगे तो इसका डेल्टा एच कंबसन भी क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस का जेड हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को, इसको थर्ड मान लो, इन तीनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, और जो बीच वाली इक्वेशन है उसको आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। और इन सबको आप ऐड करोगे तो क्या होगा, CO2 से CO2 कैंसिल आउट, 2H2 से 2H2 कैंसिल आउट, और इधर क्या आएगा, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 से 2O2 से CH4। तो डेल्टा एच कंबसन इज इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस का 2y प्लस का जेड, ये इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हो गया। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन को, ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, माइनस का 2y आना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, माइनस एक्स माइनस 2y प्लस जेड किलो जूल, ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथिन आ जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए टू बी इज डिफिकल्ट, ए टू बी जो कन्वर्जन है वो डिफिकल्ट है, तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हेंस इट इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग शोन पाथ। तो देखो ये आपको एंट्रोपी दे रखी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ है, तो नीट में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, जो भी क्वेश्चन IIT में जेई मेन में आ चुके हैं उन क्वेश्चन को सभी कर लें, क्योंकि वो नीट के अंदर आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों ACC आपको दे रखा है 50, CCD दे रखा है आपको 30, BCD दे रखा है 20, लेकिन D से B थोड़ी जा रहे हो आप, D से B जा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है आपको BCD, तो इसको एंट्रोपी आप क्या लिखोगे, डेल्टा S D से B, तो क्या होगा, सिर्फ साइन का चेंज होगा, जब प्रोसेस को रिवर्स करते हो तो जितने भी स्टेट फंक्शन है उनके साइन भी क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ये माइनस का 20 हो गया, तो ये माइनस का 20 हो गया, तो जो इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज है उसको क्या लिखोगे, डेल्टा एस ए से बी इज इक्वल टू डेल्टा एस ए से सी प्लस डेल्टा एस सी से डी प्लस डेल्टा एस डी से बी। देखो क्या आएगा इसमें, ए से सी कितना है 50 प्लस सी से डी कितना है 30, डी से बी कितना है माइनस का 20, तो 80 माइनस 20 यानी प्लस का 60 आ गया, ये एंट्रोपी में चेंज आ गया ए से बी। तो देखो प्लस 60 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबसन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है और इस क्वेश्चन में डेल्टा एच कितना दे रखा है, 72 किलो कैलोरी, ये हीट ऑफ कंबसन है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है, तो CO2 और H2 क्या बन रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये आपको कितना दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है 72, साइन को नहीं ले रहा है क्योंकि डेल्टा एच हीट ऑफ कंबसन हमेशा नेगेटिव होता है। तो जब 1.6 ग्राम ग्लूकोज का आप कंबसन करोगे तो कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, ये 72 किलो कैलोरी पर मोल है, यानी एक मोल अगर ग्लूकोज का कंबसन करते हैं तो 72 हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो एक मोल ग्लूकोज का वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट 180, यानी 180 ग्राम ग्लूकोज का कंबसन करोगे तो डेल्टा एच कितना दे रखा आपको, 72 किलो कैलोरी।
अगर 1 ग्राम का कंबसन करोगे तो डेल्टा एच कितना दे रखा आपको, 72/180 किलो कैलोरी। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1.6 ग्राम का करोगे तो, 1.6 ग्राम ग्लूकोज का करोगे तो डेल्टा एच दे रखा है 72/180 इंटू 1.6 ग्राम। तो 18 का 72 में कितना जाएगा, 4 टाइम्स पॉइंट हटाओगे नीचे 0, ये 64 आ गया, तो ये आ जाएगा 0.64 किलो कैलोरी। अगर 1.6 ग्राम ग्लूकोज का कंबसन करोगे तो 0.64 किलो कैलोरी हीट आपको क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो कैसा, सेकंड ऑप्शन में ऐसा दे रखा है 0.64 किलो कैलोरी पर मोल। तो क्वेश्चन नंबर 26, ये आपको रिएक्शंस दे रखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इसको इक्वेशन सेकंड लिख लो, इसको इक्वेशन थर्ड लिख लो और इसको इक्वेशन फोर्थ लिख लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, H2SO4 की फॉर्मेशन की एंथैल्पी पूछी है, तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख सकते हो H2SO4 का। इधर H2SO4 के 1 मोल का फॉर्मेशन करना है, देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपको 1 मोल का फॉर्मेशन करना होता है, और कुछ किससे करोगे, इस सल्फ्यूरिक एसिड में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनसे। तो H2 प्लस सल्फर प्लस 2O2, यहाँ से आपको डेल्टा एच इसका कैलकुलेट करना है। तो देखो इन चारों रिएक्शन से डेल्टा एच आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो इस साइड H2 भी चाहिए आपको, सल्फर भी चाहिए, 2O2 भी चाहिए। तो देखो ऑक्सीजन एक यहाँ पे रहा, 1/2 O2 और 1/2 O2, कितना हो जाएगा O2 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 2O2 हो जाएगा। तो मुझे लगता है इन चारों इक्वेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो SO2 से SO2 कैंसिल आउट, SO3 से SO3 कैंसिल आउट, H2 से H2 कैंसिल आउट। तो देखो क्या आएगा, इस साइड हाइड्रोजन आ गया रिएक्टेंट साइड, सल्फर आ गया 1/2 O2 1/2 O2 और O2 कितना आ जाएगा 2O2, और इधर क्या बच गया H2SO4। इट मीन्स चारों इक्वेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड और प्लस इक्वेशन फोर्थ, चारों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो फाइनल इक्वेशन का डेल्टा एच आ जाएगा। तो इन डेल्टा एच को आप क्या कर लो, ऐड कर लो। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट 9, इनको ऐड कर लो आप यहां पे, माइनस का 298.2, माइनस का 98.2, माइनस का 130.2 और माइनस का 287.2। तो इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली ऐड कर लो आप, ठीक है, ये 287, 130, ये लगभग कितने हो गए, 400, 600, 700, माइनस का लगभग 800 के लमसम आ जाएगा। तो माइनस का 800 कहाँ पे देर का, फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, पहला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इन सबको ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है इससे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, और इससे भी ज़्यादा आएगी, प्लस में आ नहीं सकता, और ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम है नेगेटिव के अंदर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ 500 ml ऑफ 0.2 mqh एंड 500 ml ऑफ 0.2 mhcl इज मिक्स एंड स्टेड विथ राइज इन टेम्परेचर T1, द एक्सपेरिमेंटल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 250 ml ईच ऑफ सॉल्यूशन, द टेम्परेचर राइजेज इज T2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि एक बार आपको 500 ml दोनों एसिड और बेस का वॉल्यूम लेना है, और मोलरिटी को सेम रखते हुए टेम्परेचर उसके इसमें T1 इंक्रीज होगा, और मोलरिटी को सेम रखते हुए अगर वॉल्यूम दोनों का 250 ले लिया जाए तो उसके इसमें टेम्परेचर T2 होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो आप क्या ले रखा है, HCl ले रखा है प्लस QH ले रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, KCl प्लस H2। इस केस में डेल्टा एच है न्यूट्रलाइजेशन, वो देखो क्या होगा। तो देखो इसका वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, 500 ml इंटू 0.2, तो ये क्या हो जाएगा लगभग, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो तो 1000 से डिवाइड कर दो तो ये 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका भी कितना आएगा, सेम वॉल्यूम है और सेम मोलरिटी है, तो इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट 0.1 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, माइनस का 13.7 इंटू 0.1, ये डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। जब वॉल्यूम दोनों का कितना ले रखा है, 500 ml, और इसका भी कितना, 500 ml
इनटू मोलरिटी इधर की 0.2 अपॉन 1000। ये तो कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट होगी। कंडीशन सेकंड क्या है, सेम एसिड है और सेम ही बेस है और सोल्ट बनेगा प्लस H2। अब इनका क्या है, 250 ml ले रखा है, 250 ml मोलरिटी की इतनी 0.2, 250 इंटू 0.2 नीचे किसे डिवाइड करोगे 1000 से, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना जाएगा 4 टाइम्स, ये भी कितना जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, पॉइंट उठाओगे तो 120, ये भी कितना हो जाएगा 120। तो 120 को आप क्या लिखोगे, 0.05, इसके भी 0.05 मोल है, तो इस केस में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, माइनस का 13.7। ये तो एक मोल के लिए, 0.05 मोल के लिए कितना होगा 0.05, ये हो जाएगा। ये दो अलग अलग कंडीशन है। इस केस में हीट क्या होगी, तो देखो क्यू बराबर क्या होता है, MS dT। टेम्परेचर इस केस में टेम्परेचर T1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो आप मास निकालो, तो D बराबर क्या होता है, M/V। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1 g/mL, तो M = क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, जब D बराबर क्या होगा 1, तो जो वॉल्यूम है वही क्या हो जाएगा, मास। तो हीट तो कितनी हो जाएगी, ये माइनस का 13.7 इंटू 0.1, मास कितना हो जाएगा 500 ml, वॉल्यूम दे रखा है वही इसका क्या हो जाएगा मास, इधर भी 500 ml, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू ऐसे स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर क्या है T1, एक तो वैल्यू आ जाएगी ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सेकंड देखो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, MS dT। क्यों इस केस में क्या हो जाएगा, मोल कितने 0.05, तो इस केस में क्यू कितना हो जाएगा, ये जो दे रखा है वही क्यों हो जाएगा, माइनस का 13.7 इंटू 0.05, मास कितना हो जाएगा, अब वॉल्यूम कितना है 250 ml, और जो वॉल्यूम है वो मास के इक्वल हो जाएगा, तो यार 250 प्लस 250 कितना हो जाएगा 500 इंटू एस इंटू टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2। इस केस में टेम्परेचर है T2, उस केस में टेम्परेचर कितना था T1 था। तो ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, माइनस का 13.7 इंटू 0.1 माइनस का 13.7 इंटू 0.05, यह आ जाएगा 1000 एस T1 और यह आ जाएगा 500 एस T2। एस से एस कैंसिल, इसका इसमें कितनी बार आएगा 2 times, इसमें भी इसका कितनी बार जाएगा 2 times, तो 2 से कैंसिल आउट, तो T1 बराबर T2, तो दोनों में टेम्परेचर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉन्ड डिसोसिएशन, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2Y2XY आर इन द रेशियो ऑफ 1:0.5:1। ये नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, डेल्टा एस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इज माइनस का 200 kJ/mol, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2। जो एनर्जी का रेशियो दे रखा है, इन तीनों की एनर्जी का रेशियो वो इसकी फॉर्म में दे रखा है आपको, तो मैं इसको एक्स की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा एक्स रेशियो 0.5x रेशियो एक्स, ये एनर्जी का रेशियो हो गया एक्स की फॉर्म में। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन एक्स वाई दे रखा है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, एक्स वाई का फॉर्मेशन करना है तो किससे होगा, 1/2x2 प्लस 1/2y2 से एक्स वाई, और डेल्टा एच कितना दे रखा है आपको, माइनस का 200 kJ/mol, ये दे रखा है किलो जूल पर मोल दे रखा है। अब देखो आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक्स को आप डिसोसिएट करोगे तो आपको एक्स किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वाई टू को डिसोसिएट करोगे तो 0.5x रिक्वायर्ड होगी, और एक्स वाई को डिसोसिएट करोगे तो एक्स एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो डेल्टा एच में इस रिएक्शन का लिखूं इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो 1/2 इंटू डेल्टा एच एक्स टू प्लस 1/2
डेल्टा एच वाई टू माइनस का डेल्टा एच एक्स वाई। ठीक है, अब देखो डेल्टा एच आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, माइनस का 200 वन बाई टू, एक्स टू कितना दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है प्लस वन बाई टू, वाई टू कितना दे रखा है पॉइंट फाइव एक्स दे रखा है, तो पॉइंट फाइव एक्स लिख दूं, माइनस का डेल्टा एच एक्स वाई कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 200 इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई फोर माइनस का एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 800 टू एक्स प्लस एक्स माइनस का 4x। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 800, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। और x आपने क्या ले रखा है, x2 की वैल्यू, x2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी है, तो वो कितनी आ जाएगी, 800 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच टू प्लस सी एल टू से टू एच सी एल डेल्टा एच दे रखा है, टू एन ए प्लस टू एच सी एल से टू एन ए सी एल प्लस डेल्टा एच दे रखा है आपको, इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच पूछा है, तो आप इन दोनों रिएक्शंस में क्या करोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इनमें क्या चेंज करोगे फाइनल रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाए। तो देखो आपको यहाँ पर सिर्फ सोडियम चाहिए, तो यहाँ पे टू सोडियम है, तो इक्वेशन सेकंड को आपको क्या करना पड़ेगा, वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको वन बाई टू सी एल टू चाहिए, यहाँ पे सिर्फ सी एल टू है, तो इस इक्वेशन को भी वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को आप क्या करोगे, फिर दोनों को आप ऐड कर दोगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया, प्लस इक्वेशन सेकंड को भी आपने क्या किया, वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वन बाई टू एच टू प्लस वन बाई टू सी एल टू से क्या होगा, एच सी एल, टू से टू क्या हो गया, कैंसिल आउट, और डेल्टा एच को भी आप क्या करोगे, माइनस का 44, वन बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 22 आ जाएगा। इस इक्वेशन को करोगे वन बाई टू से मल्टीप्लाई, तो ये सिर्फ सोडियम बचेगा, इधर एच सी एल बचेगा और इधर एन ई सी एल बचेगा और इधर कुछ आगे तो कुछ है ही नहीं ना, सॉरी एच टू है, तो वन बाई टू एच टू, और डेल्टा एच कितना होगा, इसको भी क्या करो वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 26, ये माइनस का 76 बच गया। ठीक है, इन दोनों को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 9, माइनस का 98 किलो जूल पर किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाई स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ऑक्सैलिक एसिड है, मैंने बताया था ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, सी ओ एच, ये ऑक्सैलिक एसिड, और क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड क्या है, वाटर के दो मोलिकुल्स आप ओवर एड कर दो, तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है माइनस का 25, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का देर का माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इज, इसका डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालनी है। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर अपन देखें, दो तीन क्वेश्चन में पहले भी अपन देख चुके इस लॉन्चर में, वो डेल्टा एच कितना है, माइनस का 13.7 किलो कैलोरी। लेकिन देखो ऑक्सैलिक एसिड है, इसमें एन फैक्टर कितना होगा, दो, तो आपको दो मोल NaOH के लेने पड़ेंगे, इस केस में जो सॉल्ट बनेगा प्लस H2, उसमें डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, अगर एन फैक्टर एक लें उस केस में माइनस का 13.7, अगर अपन दो लें तो कितना होगा, माइनस का 27.4 किलो कैलोरी पर मोल।
अब आप डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आपको दे रखा माइनस का 25, तो आप डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू माइनस का 13.7 की जगह आप क्या पुट करोगे, माइनस का 27.4 प्लस का डेल्टा एच आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन एक ही बात है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप माइनस का 25, इसको आप इधर लेके आओगे तो प्लस का 27.4 इक्वल टू डेल्टा एच आयोनाइजेशन। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2.4 किलो कैलोरी पर मोल। तो 2.4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकरेंस ऑफ ए रिएक्शन इज इम्पॉसिबल, कौन सी रिएक्शन इम्पॉसिबल हो, तो इम्पॉसिबल कब होगी, देखो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो है इट मीन्स वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम पे होगी, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो है इट मीन्स वो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, इम्पॉसिबल होगी। तो देखो इम्पॉसिबल कब हो सकती है, तो वी नो दैट डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब आ सकती है इसकी वैल्यू, जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, अंदर साइन क्या आएगा माइनस, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। इस केस में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू आपने पॉजिटिव ऑलरेडी ले रखी है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो देखो आप पहले ऑप्शन में डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल अपने को पॉजिटिव चाहिए, डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव, लेकिन ये अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड, डेल्टा एच नेगेटिव अपने को पॉजिटिव चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव अपने को पॉजिटिव चाहिए, फोर्थ ऑप्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव डेल्टा एस इज नेगेटिव, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नोट इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केपी। तो देखो एक रिलेशन होता है, सबको रिलेशन तो याद रखने ही रखने हैं क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि रिलेशन को अपन डेराइव कर सकते हैं। तो माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, के पी दे रखा है, तो के इक्विलिब्रियम की जगह आप के पी पुट कर दो। तो क्या के पी इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन डेल्टा जी नोड होता है, नहीं होता, बिल्कुल गलत है। क्या के पी बराबर दिस होता है, तो लिख लो आप माइनस का डेल्टा जी नोड अपॉन आर टी इज इक्वल टू एल एन के पी, और के पी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ई की पावर माइनस का डेल्टा जी नोड अपॉन आर टी। ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन एट ऑटोमोबाइल, यानी ऑटोमोबाइल में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सब कंबसन रिएक्शन होती है, कंबसन रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ये सब जानते हैं और रिएक्शन को देख के भी पता लग जाएगा ये ऑक्टेन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबसन हो रहा है तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी। सेकंड अपन देखते हैं एंट्रोपी, ये नेगेटिव एंट्रोपी देखते हैं, एंट्रोपी किससे देखेंगे, केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ गैसेस मोल इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ गैसेस मोल इधर देखो कितने हैं, दो तो है ऑक्टेन के और ऑक्सीजन के कितने हैं 25, तो टोटल कितने होंगे 27। इधर देखो प्रोडक्ट साइड CO2 के 16 है, H2 के 18 है, तो ये कितने होंगे 34, तो 27 से 34 नंबर ऑफ गैस स्मॉल इंक्रीज हो रहे तो एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, अगर आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस दे रखे है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, डेल्टा एच क्या है नेगेटिव माइनस टी डेल्टा एस क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और डेल्टा एच की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव तो डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा नेगेटिव, तो डेल्टा जी भी क्या आएगा नेगेटिव। तो देखो अब कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस प्लस, प्लस माइनस गलत, सही
सेकेंड भी क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आगे आपको बढ़ना ही नहीं है क्योंकि मल्टीपल चॉइस में होगा, एक ऑप्शन सही होगा तो सेकेंड ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मैच करना आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से, तो कौन सा सही होगा। देखो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्यों से ज्यादा, क्यों यहां पे क्या है रिएक्शन क्वेश्चेंट, दिस इज द रिएक्शन क्वेश्चेंट। देखो ये कोई रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, बीच में माना कि यहां पे आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा यहां पे, ठीक है, यहां के इक्विलिब्रियम। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्यों से ज्यादा है, क्यों क्या है, ये दोनों एक एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के इक्विलिब्रियम सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, और क्यों है वो रिएक्शन में कहीं से भी आप कहीं पर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी टाइम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये है रिएक्शन क्वेश्चन क्यों। तो के इक्विलिब्रियम ज्यादा है किससे, क्यों से, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। तो देखो कोई भी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन करना चाहेगी, ठीक है, तो ऑब्टेन करना चाहेगी तो क्यों किसकी ओर एक्सपांड होगा, के इक्विलिब्रियम की ओर एक्सपांड होगा, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो फर्स्ट में देखो क्या है, फोर्थ, ठीक है, सेकंड देखो डेल्टा जी नोड लेस देन है माइनस का आर टी एल एन क्यू से, तो डेल्टा जी नोड इक्वल टू क्या होता है, तो फर्स्ट में तो क्या हो गया फोर्थ, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू अभी लिखा था माइनस का आर टी एल एन क्यू, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है, लेस देना किस से, आर टी एल एन क्यू से, तो ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो चुका है पॉजिटिव, तो ये माइनस का आर टी एल एन क्यू, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, तो सेकेंड में क्या है फर्स्ट। थर्ड है क्यों, के पी इक्वल टू क्यों, यानी ये कंडीशन क्या होगी, आपका जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे ऑप्टेन हुआ था और यहाँ पे क्यों और के इक्विलिब्रियम दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, इसका मतलब यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम की पोजिशन मिलेगी, तो थर्ड में क्या है सेकेंड है। अब देखो फर्स्ट में फोर्थ है, तो आपको बाकी तीन ऑप्शन तो चेक ही नहीं करने, आप पहले से बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, पहले से आपने पता कर लिया कि फर्स्ट में फोर्थ है, तो फर्स्ट में फोर्थ थर्ड ऑप्शन के अंदर है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब देखो आपके पास कितना टाइम बच सकता है, अब कई ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, चार ऑप्शन मैच करते हैं, चार ऑप्शन मैच करने की कहाँ जरूरत है, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। फोर्थ भी देख लेते हैं, यहाँ तो खूब टाइम है अपने पास, तो फोर्थ में क्या होगा, थर्ड होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन देखते हैं कैसे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एस क्या होगा पॉजिटिव, और टी ज़्यादा होगा किससे डेल्टा एस, तो टी डेल्टा एस है वो ज़्यादा होगा किससे डेल्टा एच से, तो देखो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, ये वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी किससे इससे, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सी बात है किस क्या आएगी नेगेटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी स्पॉन्टेनियस, तो 34 में क्या है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, 5 mole ऑफ ए गैस इज पुट थ्रू ए सीरीज ऑफ चेंजेस शोन ग्राफिकली, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, प्रोसेस दे रखा है ए से बी, बी से सी, सी से ए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो ए से बी, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो देखो ए से बी में क्या है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ए से बी क्या हो गया आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है वो हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। सी से ए, सी से ए में क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल, टी कांस्टेंट तो आइसोथर्मल, और बी से सी, देखो बी से सी क्या है V और T के बीच में क्या है प्रोपोर्शनल का ग्राफ, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इसमें क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट होगा, इसमें क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो ये होगा आइसोबारिक। तो
ए से बी तो क्या हो गया, आइसोकोरिक हो गया। तो ए से बी है वो आइसोकोरिक है, बी से सी क्या है, बी से सी है आइसोबारिक, और सी से ए, सी से है आइसोथर्मल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन। द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से व्यंजकों में से कौन सा असत्य है। तो देखो फर्स्ट को अपन डेराइव करते हैं। तो देखो डेल्टा एस टोटल किसके इक्वल होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो टोटल एंट्रोपी में चेंज है वो सिस्टम के एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग के एंट्रोपी के इक्वल होगा। और डेल्टा एस सराउंडिंग को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर टी। और डेल्टा एच सराउंडिंग को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का डेल्टा एच सिस्टम लिख सकते हो। ये क्लास के अंदर करवाया होगा आपको। तो ये डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर हो सकता है माइनस का डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। ये वैल्यू यहां पे पुट करो आप, तो क्या आएगा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस का डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। टी को आप मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन से, तो टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस का डेल्टा एच सिस्टम। और इसको क्या लिख सकते हो, पूरे के पूरे को डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का डेल्टा जी सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस का जी सिस्टम। तो पहला सही है। तो पहले मैं क्या लिख सकते हो, माइनस का टी इज इक्वल टू डेल्टा जी सिस्टम अपॉन डेल्टा एस टोटल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इन आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रम में डब्ल्यू रिवर्सिबल है, तो बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर डेराइव करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन एल एन के, देखो वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा डेल्टा एच नॉट माइनस का टी डेल्टा एच नॉट। गिब्स फ्री इक्वेशन है ये। और डेल्टा जी नॉट बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस का आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस का टी डेल्टा एच नॉट। तो माइनस आर टी से डिवाइड कर दो तो एल एन के इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। माइनस आर टी से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस टी डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी। टी से टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन क्या सही हो सकता है, क्या बिल्कुल नहीं हो सकता। तो थर्ड क्या हो गया, गलत हो गया। और इसको अभी पिछले क्वेश्चन में अपने एक्सप्लेनेशन में लिया था। तो 36 में कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। 37 अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। स्टेट फंक्शन जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं उन्हें स्टेट फंक्शन करते हैं। तो पाथ फंक्शन कौन सा है, तो पाथ फंक्शन एक तो मैंने बताया था क्यू, एक है वर्गडन, तो बी पाथ फंक्शन है, डब्ल्यू पाथ फंक्शन है। लेकिन ये क्या है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ये डेल्टा ई है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये क्या पाथ फंक्शन है, नहीं, ये दिस इज द स्टेट फंक्शन। तो बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे जी आएगा, जी भी क्या स्टेट फंक्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी एंड सी। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो 37 में क्या हो गया, थर्ड काफी सिंपल क्वेश्चन है। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डी टी। ये है कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी। तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन एन डी टी।
और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन जीरो क्या लिख सकते हो आप? इन्फाइनाइट लिख सकते हो। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इन्फाइनाइट। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 39, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बी ए सी एल टू और बी ए सी एल टू डॉट टू एच टू, ये दोनों की दे रखी आप। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी चेंज पूछा है, तो इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन आप कैसे ऑप्टेन करोगे? तो इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिखो इसका, बी ए सी एल टू, इसको आप एक बार आयनाइज करो, तो ये किस में होगा? बी ए प्लस टू प्लस टू सी एल माइनस। तो ये डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है? सॉल्यूशन माइनस का 20.6। नेक्स्ट है बी सी एल टू डॉट टू एच टू, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस टू टू सी एल माइनस प्लस टू एच टू। ये डेल्टा एच दे रखा है सॉल्यूशन प्लस का 8.8 किलो जूल पर मोल, यूनिट में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अब इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से आपको ये इक्वेशन ऑप्टेन करनी है। तो आप कैसे ऑप्टेन करोगे? इसको आप प्रोडक्ट के साइड ले जाना, तो इक्वेशन सेकंड को आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो या रिवर्स कर दो, तो देखो क्या आएगी आपके पास। बी ए प्लस टू से बी ए प्लस टू कैंसिल आउट होगा, इसको रिवर्स करने के बाद में टू सी एल माइनस से टू सी एल माइनस साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी ए सी एल टू प्लस टू एच टू से क्या ऑप्टेन हो जाएगा? बी ए सी एल टू डॉट टू एच टू। तो देखो इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? माइनस का 8.8 हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? माइनस का 20.6 और माइनस का 8.8, तो माइनस का 29.4 किलो जूल। ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रखा है? ऐसा फोर्थ ऑप्शन में आ रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 300 केल्विन, द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, एन सी पी डी टी, और आपको क्या दे रखा है? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली में क्या है? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? जीरो। और डेल्टा टी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो एंथैल्पी में चेंज क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखो, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपको दे दिया जाए तो ब्रगडन जीरो होगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दे दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी में चेंज और एंथैल्पी में जो चेंज है वो भी क्या होगा? जीरो होगा। ये कुछ बेसिक चीजें आप याद रखो ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। फॉर द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन दे रखी है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट एट 298 केल्विन इज अप्रोक्सीमेटली, तो देखो डेल्टा जी नोट की वैल्यू पूछ रखी है आपसे, तो डेल्टा जी नोट और इक्विलिब्रियम में एक रिलेशन था, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस का 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। और देखो वाटर का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, और इस गैस में जो के डब्ल्यू है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे आयनिक प्रोडक्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पे माइनस का 14 होता है, 10 की पावर माइनस का 14। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो डेल्टा जी नोट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2.303 आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या पुट करोगे? क्योंकि एनर्जी जूल में दे रखी है तो 8.314। टेम्परेचर कितना पुट करोगे? 298 केल्विन लॉग 10 बेस के इक्विलिब्रियम कितना है? 10 की पावर माइनस का 14। ये माइनस 14 आगे आ जाएगा, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होएगा? माइनस का 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू माइनस का 14, और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। माइनस 14 आगे आ गया तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। यानी पहला और दूसरा ऑप्शन तो किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकते। इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 5714 आएगा।
फिर इसको आप क्या करोगे, 14 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5714 इंटू 14 अपॉन, ये जूल में आएगा, तो किलो जूल में लाने के लिए 1000 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या वैल्यू आएगी, 5.714 इंटू 14, 14 को अप्रोक्सीमेटली आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये 70 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 0.74 और रह गया ना, इसका मतलब प्लस का 80 किलो जूल पर मोल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ए प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर पे कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन लिखो आप डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन है जिसके अंदर आप चेक करो, पहले ऑप्शन से डेल्टा एच पॉजिटिव है, माइनस टी डेल्टा एस ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये तो एट ऑल टेम्परेचर पे क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, ये स्पॉन्टेनियस आना चाहिए सभी टेम्परेचर पे, तो आप एक स्टैंडर्ड कंडीशन देख लो ना, ये स्पॉन्टेनियस सभी टेम्परेचर पे कैसे आ सकता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी स्पॉन्टेनियस होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए माइनस टी, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, अब टेम्परेचर आप कुछ भी पुट कर दो आप, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो डेल्टा एच तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो डेल्टा एच नेगेटिव ये है और डेल्टा एस पॉजिटिव ये रहा, एंड थर्ड ऑप्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव, यानी सेकंड ऑप्शन सही है, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये अगर आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, कोई भी टेम्परेचर पुट कर दो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, इट मीन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, व्हेन द कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ हेप्टेन, तो हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H16 O2 गैस इज इक्वल टू 7CO2 गैस प्लस 8H2O लिक्विड, ये गैस है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो आप, 7 × 2 कितना हो गया 14, 14 प्लस 8 कितना हो गया 22, इधर ऑक्सीजन कितने 2, तो यहाँ से 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन दोनों साइड इक्वल हो जाएगा ये सॉलिड के अंदर, तो डेल्टा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैस की प्रोडक्ट गैसेस मोल कितने 7, रिएक्टेंट की गैसेस मोल कितने 11, माइनस का 8, सॉरी माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4, तो डेल्टा एच माइनस का डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ये पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था, तो सीधा सा लिख देते हैं, तो ये डेल्टा एन की वैल्यू माइनस का 4 आर टी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा सही है, देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे राउल्ट्स लॉ की कंसंट्रेशन को फॉलो करे उसे आप क्या कहोगे, आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा तभी वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि रिएक्टेंट में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो अगर प्रोडक्ट बनता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर दोनों की एनर्जी बराबर हो जाए उस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो, और ऐसी कंडीशन किस में आएगी, आइडियल सॉल्यूशन में। सेकंड डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा, जीरो होगा, ये कंडीशंस आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ ली होंगी। थर्ड डेल्टा एस एंट्रोपी, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, और मिक्सिंग में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी, तो डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्थ है डेल्टा जी, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इसमें
नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस का टी डेल्टा एस मिक्सिंग। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन, माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है, डेल्टा एस मिक्सिंग देखो देर क्या है, क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, तो डेल्टा जी मिक्सिंग है वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देख लो चारों कंडीशन दे रखी है, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या जीरो होगा, बिल्कुल ये तो गलत है। सेकंड डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो एट, ये भी जीरो होगा। डेल्टा एच जीरो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेल्टा जी मिक्सिंग जीरो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो देखो ये भी गलत है, डेल्टा एस मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी गलत है, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी गलत है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, थर्ड ऑप्शन इज सही। तो 44 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, इसमें क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, किस में एंट्रोपी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो पहला है वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपराइज हो रहा है, इस मीन्स वाटर सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, तो इस केस में एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकेंड है एक्सपांसन ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, गैस एक्सपांसन हो रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस ज़्यादा होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, तो इस केस में भी एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपसे क्या पूछा है, एंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक हो, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड अगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन क्या होगा, सॉलिड टू गैस, इसमें एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस के अंदर, और गैस के मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली सॉलिड के। और फोर्थ क्या है, 2H2 से H2, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दो और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1, तो नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या हो रहे हैं, रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है तो नंबर ऑफ गैसेस मोल डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये 45 क्वेश्चंस अपने केमिस्ट्री पंच के पूरे कर लिए, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, एक एक चीज़ छोटी छोटी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।